भाई इसको बोलते हैं स्पीड, इसको बोलते हैं पावर। ये है एचपी सिलिकन की 1 TB की SSD जो कि M.2 स्लॉट वाली है और इसकी रीड स्पीड 7300 MBPS से ज्यादा की आती है। मतलब खतरनाक आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे आप PS5 में यूज करो, अपने विंडोज कंप्यूटर में यूज करो, इससे तगड़ी स्पीड शायद कहीं आपको ना देखने को मिले। और ये हीट सिंक के साथ आता है, मतलब यार इसका डिजाइन भी देखोगे ना इतना कमाल का लगता है। और हीट सिंक की वजह से ये काफी ज्यादा ठंडी रहती है, 40% तक इसका टेम्परेचर कम रहता है। अभी मैंने सब कुछ एक साथ बता दिया क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो यार रुको जरा सबर करो, हम धीरे धीरे इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो मेरे पास SSD है ना, ये एचपी सिलिकन की है और इसका मॉडल का नाम है XS70 और ये गेमिंग SSD है, तो डिजाइन वगैरह आपको गेमिंग जैसा मिल जाएगा और गेमिंग के हिसाब से आपको इसमें हीट सिंक वगैरह भी मिल जाती है। तो ये कुछ इस तरह के पैक में आपको रिसीव होगी जब आप इसको परचेस करने जाओगे। तो यहाँ पे इसका बिल्ड क्वालिटी वगैरह के बारे में बात करूँ ना, पूरी मेटेलिक बॉडी मिल जाती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे आप देख सकते हो। ऊपर ये हीट सिंक जो दे रखी है ना, ये जो इसका डिजाइन दे रखा है, इस वजह से ये काफी जल्दी ठंडी रहती है। मतलब अगर ये हीट वगैरह होगी ना, तो इसका कूलिंग सिस्टम इतना अच्छा है कि इस SSD को ये काफी हद तक कूल रखता है। बाकी यहाँ पर डिजाइन जो है वो काफी प्रीमियम लगता है, तो अगर आप ट्रांसपेरेंट कैबिनेट में इसको यूज करने वाले हो ना, तो ट्रांसपेरेंट कैबिनेट के अंदर ये जब SSD दिखेगी ना, तो डेफिनेटली काफी बढ़िया लुक देगी आपके PC सेटअप को। बाकी यहाँ पर ये जो मेटल का पूरी बॉडी वगैरह दे रखी है, यहाँ पर इसको खोलने का भी सिस्टम दे रखा है स्क्रू के थ्रू, आप इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसको आप निकालना। जैसी ये आती है इसको ऐसे ही यूज करना, किसी वजह से आपको स्पेस वगैरह ना हो तो आप इसको खोल वगैरह सकते हो। अब देखो और कुछ फीचर्स के बारे में बात करूँ ना, तो फिलहाल ये मेरे पास 1 TB की स्टोरेज वाला है, इसमें आपको 4 TB तक की स्टोरेज ऑप्शन मिल जाता है और ये NVMe PCIe 4.0 M.2 4th जनरेशन वाली हमारी SSD है। और इसको आप अपने PS5 में भी यूज कर सकते हो क्योंकि इसकी रीड एंड राइट स्पीड इतनी अच्छी मिलती है कि भाई अगर आप गेम वगैरह भी खेलने जाओगे ना अपने PS5 वगैरह में, तो काफी अच्छी आपको रीड एंड राइट स्पीड मिलेगी, डायरेक्टली गेम इससे प्ले होने वाले है। और इसमें 7300 MBPS तक की रीड स्पीड मिल जाती है। रीड स्पीड के बारे में अभी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उससे पहले बता दूं इसमें आपको 5 ईयर्स की वारंटी भी मिल जाती है। अब देखो मैंने इसका स्पीड टेस्ट करके देखा है, वैसे तो इंटरनल SSD है, आपके मदरबोर्ड में डायरेक्टली लगेगी, लेकिन फिलहाल यार हमने अपना मदरबोर्ड खोला नहीं है। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्टली मदरबोर्ड में लगाकर यूज करेंगे ना, अपने कंप्यूटर में अपने सेटअप में यूज करेंगे, तो इसमें आपको 7300 MBPS तक की मैक्सिमम स्पीड मिल सकती है और 6800 MBPS तक की राइट स्पीड मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आपका मदरबोर्ड कैपेबल है ना, तो इससे काफी अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो। तो फिलहाल यार हमने 10 GBPS वाला एक M.2 वाला एनक्लोजर लिया है, तो 10 GBPS मतलब वो गीगा बिट्स पर सेकंड वाला है, मतलब वही मुझे 1 GBPS के अराउंड स्पीड मिल जानी चाहिए एनक्लोजर की वजह से, क्योंकि एनक्लोजर जो है वो इसको बॉटल नेक करेगा, क्योंकि ये जो है काफी अच्छी स्पीड दे सकता है, लेकिन हमारा एनक्लोजर जो है उतने स्पीड का आउटपुट नहीं दे सकता है। तो फिलहाल अगर आप एनक्लोजर के साथ इसको यूज करना चाहोगे तो किस तरह की स्पीड मिलती है वो आपको दिखा देता हूं। देखो मैंने अपने मैकबुक से इसको कनेक्ट करा है और इसके बाद यहाँ पर मैंने स्पीड टेस्ट करके देखा, तो 830 MBPS तक की रीड और राइट स्पीड मिल रही थी। भाई कितना भी मैं टेस्ट करके देख लूँ, हमेशा मुझे 830 MBPS तक की रीड एंड राइट स्पीड मिल रही थी। ध्यान रखना ये जो एनक्लोजर है ना, इसको बॉटल नेक करता है इसकी स्पीड को। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक फाइल थी जो कि 2 GB से ज़्यादा की थी, 2.5 GB तक के करीबन आप मान सकते हो, 2.6 GB के समथिंग थी। भाई जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा ना, इंस्टेंटली पेस्ट हो गई, एक सेकंड भी नहीं लगी। भाई एक सेकंड आप मान के चल सकते हो कि एक सेकंड में मेरी ये 2.5 GB की फाइल एकदम ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही मेरी कॉपी हो गई। इसके बाद मैंने अपनी ये लगभग 4 GB की फाइल इधर से उठाकर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करी, तो मुश्किल से 2 सेकंड लगी होगी। भाई 2 सेकंड भी नहीं लगी है, आप काउंट करके देख लो भाई, स्टॉप वॉच लगाकर देख लो, तो काफी फास्ट स्पीड मिली है मुझे इस SSD के साथ। तो देखो यार अगर आप गेमर हो और गेमिंग PC बिल्ड करना चाहते हो, या फिर आप PS5 के लिए एक बहुत बढ़िया स्पीड वाली SSD देख रहे थे ना, या फिर आप नॉर्मल PC भी बिल्ड करना चाहते हो, बेस्ट स्पीड चाहते हो अपने PC में, तो ये SSD बिल्कुल भी मिस मत कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर परचेस कर सकते हो। इसके अलावा इसको आप एक्सटर्नल SSD की तरह भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था एक्सटर्नल एनक्लोजर का यूज करके। बेटर रहेगा कि आप और अच्छी स्पीड वाला एनक्लोजर यूज करना, उसके बाद आपको और भी बेटर स्पीड मिलेगी। तो इस SSD की और भी कुछ डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में बता देना, हम ऐसी और भी काफी सारी वीडियोस लाने वाले हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई इसको